Hey guys, a lovely good morning. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं. एंड वेलकम बैक टू माई व्लॉग. और बस यार, सुबह का भी काम शुरू हो गया सफाई अभियान का, और जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रहे हो यार. अभी चैरी भी सो रही है, उसके पापा भी, मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं. मतलब तो वही है यार, अगर ये उठ जाती है ना चैरी, भी उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मैंने सोचा चलो अगर मैं जल्दी उठी गई थी वीडियो वगैरह एडिटिंग करके अपलोड करके, मैंने कहा अब क्या जाऊँगी सोने के लिए, मैंने कहा फटाफट से काम कर लेती हूँ. देख रहे हो ना कैसे बैठ बैठ के मेहनत के साथ में पोछा लगा रही हूँ. और इससे ना एक फ़ायदा ज़रूर होता है मुझे, वैसे मुझे आदत नहीं है, पर इससे एक फ़ायदा होता है कि मेरे जो टमी है ना वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, मतलब वेट रिड्यूस काफ़ी हद तक हो गया है, जो कि अच्छा है यार. और बस अभी यहाँ पर मैं नहा करके सोचा चलो ब्रेकफास्ट की भी तैयारी फटाफट कर लूँ. नहा करके अभी हस्बैंड भी उठ गए थे तो मैं फटाफट ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी. और ब्रेकफास्ट में जो मैं बना रही हूँ ना, ये आलू और पनीर के परांठे बना रही हूँ. मतलब आलू और पनीर को मिक्स करके, बाकी जो भी मसाले वसाले हरा धनिया वगैरह ये सब डाल करके. और काफ़ी टाइम से मन कर रहा था कि चलो आज ब्रेकफास्ट कर ले ही देते हैं पराठों का, तो बस यही करने लग रही हूँ. नेक्स्ट टाइम यह सोच रहा हूँ अजवाइन के पराठे भी बनाऊँगी. अजवाइन के पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, अजवाइन और नमक के. बस अभी यहाँ पर जो है फटाफट से मैं पराठे बेल रही हूँ, जल्दी जल्दी से तैयार कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ. और टाइम बचा था तो मैंने सोचा चलो अभी लंच भी प्रिपेयर कर ही लेती हूँ लंच के लिए. तो लंच के लिए जो मैं बना रही हूँ ना, वो सूखे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि यार वही था, सूखे आलू की सब्ज़ी काफ़ी टाइम से खाई भी नहीं थी. और दूसरी बात है कि ना अभी सब्ज़ी है ना मॉर्निंग में लेकर नहीं आए थे हस्बैंड, क्योंकि थोड़ा लेट उठे थे, फिर ऑफिस के काम में लग गए, फिर मीटिंग वगैरह होने लगी उनकी. तो फिर यही था यार, मैंने कहा चलो आलू रखे हैं तो फटाफट से ये जो सूखे आलू है ना इन्हीं की सब्ज़ी बना डालती हूँ, क्योंकि चेरी भी खा लेती है अच्छे से, उसको भी ना आलू वगैरह ये सब सही लगते हैं, ठीक लगते हैं, आराम से खा लेती है. तो इसलिए ना मैं ज़्यादातर उसको प्रेफर करती हूँ कि चलो आलू का कुछ उसको बना के दे दूँ, चाहे आलू के फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँ, आलू के चिप्स बनाऊँ. और ये जो मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ ना सूखे आलू की, इसमें भी मैं बिल्कुल लाइट जो स्पाइसेस है ना वो यूज़ करूँगी, जिससे कि चेरी भी खा पाए आराम से. और फिर सूखी है आलू की सब्ज़ी तो दही वगैरह भी था घर में, तो मैंने कहा चलो दही एक हो जाएगा. और साथ में कल की खिचड़ी जो मैंने बनाई थी ना, मतलब थोड़ी सी चैरी के लिए वो भी रखी हुई थी, तो मैंने कहा वो भी थोड़ी सी खा लूँगी मैं. और यही है बस यार, सुबह सुबह का टाइम है ना पूरा टाइम काम में निकल जाता है सीरियसली. मतलब वही है ना, अकेले हूँ, थोड़ा सा ये है कि चैरी को भी देखना, फिर घर भी देखना, वैसे वीडियोज़ वगैरह भी देखते रहना, तो पूरा दिन है ना कब शुरू कब ख़त्म पता ही नहीं चलता. और बस यही है अभी, और ये बनके तैयार हो गई है मेरी, इसमें मसाले वगैरह डाल करके तैयार हो जाएगी आलू की सब्जी. और अभी शाम का टाइम हो चुका है, सुबह का सारा काम वाम करके मैं थक गई थी, सो गई थी, और अभी शाम हो चुकी है, चाय वाय पी के बस अभी मम्मी के निकल रहे हैं. और अभी बज रहे हैं शाम की 6:30, क्योंकि काम वाम करके थोड़ा बहुत जो भी घर का था ना वो सब निपटा कर मैं अब घर जा रहे हैं. हम लोग मम्मी के घर जो सामान लाए थे ना, जो भी हम लोगों ने संडे को परचेजिंग करी थी, वो सारा सामान मम्मी के घर लेके जा रहे हैं और मम्मी को देंगे. और बस वहाँ पे चल के दिखाती हूँ आपको चेरी की शरारतें और वहाँ उसकी मस्तियाँ. तो जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, थोड़ी देर बातें बातें करी, उसके बाद मम्मी ने खाना प्रिपेयर कर रखा था, गरम गरम था, मम्मी ने कहा चलो खा लो. तो मम्मी ने राजमा चावल बनाए हुए थे और तंदूरी रोटी बाहर से मंगवा ली थी, और सब लोग इकट्ठा बैठ के खाना खा रहे थे, जो कि है ना अच्छा लगता है यार, मतलब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, बहुत मज़ा आता है. और ये देखो चेरी की शरारतें शुरू हो गई. बस दादू को टिक टिक घोड़ा बना करके उनके ऊपर में इसने घोड़े की तरह करना है, और ये बस यहाँ पे आके ना इसके नखरे जो है ना टेंट्रम्स और डबल ट्रिपल हो जाते हैं. यहाँ पे आके देख लो ना इसके भाव कितने बढ़ जाते हैं. बस यही है, इसको यहाँ पे सब प्यार करने वाले, नो केयर करने वाले मिल जाते हैं. इसको लगता है कि कोई मुझे डांटेगा नहीं, मम्मी पापा तो डांट ही नहीं सकते, क्योंकि उनको दादी दादू से डांट पड़ जाएगी. और इसी तरह से जो है ना ये यहाँ पर इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेती है. और ये देखो दादू ने इसको पट्टी पे बिठाया ना, जैसे ही अपनी इतनी खुश हो गई जैसे कि पता नहीं क्या ही मिल गया. और ये देखो बार बार फिसले भी जा रही थी, क्योंकि बैलेंस नहीं बना पा रही थी ना, फिर भी पापा ने होल्ड कर रखा था, क्यों पापा भाई एक्सपीरियंस है, बच्चों को भी खिलाया है अपने, तो उनको पता ही है कि हाँ भाई कैसे बच्चों को देखना है करना है. और ये देखो कैसे टिक टिक घोड़ा बन के कितना मज़ा आ रहा है इसको, कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही है ये. बस यही चाहिए इसको पूरा टाइम अपने साथ में, इसको चाहिए कि मैं किसी की कोई मुझे मिले और मैं खेलती रहूं बस,
चाहे वो बड़े हों, चाहे वो मेरे उम्र के हों, चाहे कोई भी हो, और इसको पूरा पूरा टाइम मस्ती चाहिए होती है खेलने के लिए। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, हम दोनों होते हैं, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ऑफिस के काम में लगे हुए होते हैं और मैं घर के कामों में। थोड़ा सा ना इसको मतलब ये लगता है, हालांकि मैं खेलती हूँ इसके साथ में, पर इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हम लोग। पर हाँ, चेरी को फिर भी मैं टाइम पूरा पूरा देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इसको पूरा पूरा टाइम दूँ। और ये देखो, यहाँ पर अपने दादू के साथ में अभी फ़ोन में लग गई है। दादू इसको वीडियोस दिखा रहे थे, इसके गाने जो ये देखती है, बच्चों के सॉन्ग्स। तो इसको बस चाहिए कि मेरे को इसी तरह से एंटरटेन करते रहो कुछ ना कुछ दिखा कर, और बार मम्मा मम्मा आके मेरे पास में ऐसे खेल रही है कि बस। यहाँ पर आके तो इसको सब चीज़ों की फ्रीडम मिल जाती है ना, तो इसलिए खुश रहती है। अरे भी कितनी खुश है मेरी बच्चा। चेरी पुता देख रही है। का है? काइट? अच्छा, काइट उड़ी है। केचुले एचुले काइट ऐसे। चेरी काइट का है, कहाँ उड़ी है काइट? ओए इतनी सारी पुतर भी है बाहर तो। काइट, अरे आ जा नहीं आप, काइट आ जाएगी। ओ ईशी आवाज नहीं लगाते। हाँ फिर पता है क्या बोलेगी काइट और बूतर, कहेंगे चेरी किसको आवाज लगा रही है, हम तो स्पैरो थोड़ी ना कोई जो हमें आवाज लगा रही है ना चेरी। ये चेरी काइट देख रही है, पिजन है इतने सारे। आजा ना पिजन, पिजन आ जाओ चेरी के साथ खेल लो। चेरी खेली खेली कर रही है ना। कहाँ है, किधर है? हाँ इधर से अच्छे। एक वो भी आ गए पिजन, देख कितनी सारी पिजन है। ओ कितनी सारी पिजन, और अभी टाइम हो रहा था सुबह के 6:15 यानी कि 6:15 AM। और ये देखो अभी कोई भी नहीं उठा था, सबके गेट्स बंद थे, लाइट्स ऑफ थी, सभी सो रहे थे। और हमारी जो मैडम है ना, मतलब मेरे साथ तो पक्का इसको उठना ही उठना है। मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी एडिटिंग करने के लिए उठी, मैंने कहा चलो जो भी थोड़ी बहुत रह गई है रात को मैं करके सोई थी, पर थोड़ी बहुत जो रह गई थी मैंने कहा मॉर्निंग में मैं कर देती हूँ वीडियो एडिटिंग, सुबह 8-9 बजे तक मैं डाल पाऊँ वीडियो। और ये तब भी मेरे साथ साथ उठ गई, और पूरे में बस हम दोनों ही उठे हुए थे। और बाहर इसको देखना था स्पैरो को, जो कि देख के इसको बहुत खुशी हो रही थी। और बस अभी रात को मैं अपनी वीडियो का एंड करना भूल गई थी, तो अभी सुबह सुबह चेरी और मामा जल्दी उठ गए कि हम अपनी वीडियो को तो एंड करना भूल ही गए, है ना चेरी। और बस अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी देना, शेयर करना चाहते हैं फैमिली फ्रेंड्स का शेयर कर सकते हैं, रिलेटेड कुछ कमेंट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, हिटिंग बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन के थ्रू आपको वीडियोज़ मिलती रहे और आप हमसे कनेक्टेड रहो। हाँ बेटा, क्या अच्छा बाय तो कर दो, बाय करो भाई, सबसे बाय करो भाई, सही बाय कर दो, टाटा कर दो काका। अरे बाबा आप भी तो काका ही हो, बाय कर दो ना, बाय। मम चाहिए, अच्छा देखिए और बस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।